हेलो वेलकम व्यूअर्स, आज की मेरी रीडिंग उन लोगों के लिए है जो काफी समय से एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और अपने उस रिश्ते को एक नाम देना चाह रहे हैं। क्या ये रिश्ता उनका उस नाम तक पहुंचेगा? तो चेक करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अपना साथ एक दूसरे का छोड़ना नहीं चाहते, अपने रिश्ते को नाम दे रहे हैं, क्या ये रिश्ता उनका उस नाम के दौर में बंध जाएगा? क्या बड़ा लंबा साथ रहेगा आप दोनों का? आपस में जीवन भर का सफर है आप दोनों का साथ में। चलिए चेक करते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड। सबसे पहले मेरे पास कार्ड आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। पहला कार्ड थोड़ा नेगेटिव है, किंग ऑफ पेंटाकल्स, आप ही अपने अंदर सपने बुन रहे हैं कि ये ही मेरा लाइफ पार्टनर है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, क्योंकि जो आपके साथ रिलेशन में है उनके मन में अभी आपके लिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अभी उनको किसी रिश्ते में बंधना है, अभी के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक लवर्स का कार्ड आया है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कुछ समय के बाद, आने वाले कुछ समय के बाद, रिसेंटली आपका रिश्ता जो है किसी नाम में नहीं बंधेगा, लेकिन आने एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं आप दोनों, एक दूसरे का जो है बिना रह नहीं पा रहे हैं। परेशानियां आपको आती है जब एक दूसरे से दूरी आपकी बन जाती है, लेकिन अभी भी ये समय जो है आपके रिश्ता बनने का नहीं आया है। इसको रिश्ते को बनने में अभी कम से कम आपके 6 महीने का समय दिखा रहा है, तो आप लोगों को थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। और अभी जैसे चल रहा है रिश्ता उसको वैसे ही चलने दीजिए, बहुत ज्यादा आगे की प्लानिंग्स अभी नहीं कीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।